नमस्कार दोस्तों, मैंने कहा था ना कि जवान ये वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर जवानी रहेगी, और मेरा प्रेडिक्शन एक बार फिर सही रहा। और खुशी इस बात की नहीं है कि मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, पर इस बात की है कि हेटर्स को जवान ने एक बार फिर अपनी बेल से ताबड़तोड़ धो डाला है। और हेटर्स तो बस हेट करना ही जानते हैं। कुछ हेटर्स ने सनी देओल की गदर 2 को रिलीज से पहले ही फ्लॉप कह दिया था, तो कुछ हेटर्स ने जवान के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। पर ये दोनों फिल्म्स ने ये दिखा दिया कि जब आप एक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो पब्लिक आपको इतना प्यार करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पब्लिक ने अपना यही प्यार पहले गदर पर पैसों की बरसात से दिखाया, और अब जवान के सामने पैसों का पहाड़ लगा दिया है। जवान का सैटरडे इंडिया कलेक्शन का अर्ली एस्टीमेट आ चुका है, और ये है 31 करोड़ 50 लाख, जो कि मेरे 33 करोड़ 86 लाख के एस्टीमेट के पास ही है। कहाँ तो हेटर्स बोल रहे थे कि जवान सेकंड वीकेंड पर दम तोड़ देगी, पर यहाँ तो जवान ने एक बार फिर हेटर्स की बजा दी है। अब प्रेडिक्शन करते हैं संडे की। सैटरडे की ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग अराउंड 9 करोड़ 95 लाख हुई थी, और संडे की एडवांस बुकिंग अराउंड 12 करोड़ 95 लाख है, जो कि 30% का जंप है। और मेरा एस्टिमेट था कि सैटरडे 65% और संडे को 25% कलेक्शन इंक्रीज हो सकता है। मेरे एस्टिमेट से और एडवांस बुकिंग के ट्रेंड से जवान संडे को 40 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है। इसका मतलब यह है कि जवान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार तो हो ही चुका, और अब हमको 1000 करोड़ का डिस्कशन स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये जवान हर वीक बॉक्स ऑफिस पे जवान होती जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर जवान नेक्स्ट वीकेंड तक ऐसे ही परफॉर्म करती है तो 1100 करोड़ का बिजनेस भी कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या जवान हेटर्स को और मिर्ची लगा पाएगी? क्या जवान 1100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी? अपना प्रेडिक्शंस कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।